सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हॉस्टल के रूम्स, कि हॉस्टल में जो रूम्स होती है उसमें किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, कैसी होती है रूम्स। और एक्चुअली मैं बता दूं कि जैसा मैं पढ़ रहा हूँ प्रीमियम फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ 6 हॉस्टल हैं। तो एक ही वीडियो में अगर मैं 6 हॉस्टल को कवर कर दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 5th हॉस्टल की। और 5th हॉस्टल में से भी यहाँ 2 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, 5th ए और 5th बी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली 5th बी हॉस्टल के बारे में, कि वहाँ किस प्रकार की रूम्स जो हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 4 सीटर रूम को। चलिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये 4 सीटर रूम है, मतलब यहाँ पे 4 बेड्स दी गई हैं। यहाँ थोड़ा कैमरा करिएगा, ये एक बेड है यहाँ पे, ये दूसरी बेड, ये तीसरी बेड और ये चौथी बेड। तो 4 बेड यहाँ पे लगाया गया है, एक के ऊपर एक, देन एक के ऊपर एक। यहाँ एक विंडो प्रोवाइड की गई है अच्छी सी, जो कि खुलती है। जैसे कि हम ऐसे बंद करें इसे, अगर ऐसे बंद करें तो हम इसे ऐसे ऊपर से अगर सिर्फ हमें खोलना है तो ऐसे खोल सकते हैं, और अगर हमें साथ खोलना है तो ऐसे करके ऐसे खोल सकते हैं। विंडो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है। बाकी फिर अगर हम आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं, आपके एक टेबल प्रोवाइड किया गया है, डाइनिंग टेबल, जो कि देख सकते हैं आप काफ़ी मैच्ड है। मैंने सोचा सच्चाई ही दिखानी चाहिए, जैसे हॉस्टल में हम रहते हैं वैसे ही। तो ये एक डाइनिंग टेबल प्रोवाइड की गई है, इसके साथ साथ हमें 4 चेयर्स प्रोवाइड की गई है। ये देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, 4 चेयर्स प्रोवाइड की गई है। उसके साथ साथ हमें जो है 3 अलमीराज प्रोवाइड की गई है। ये देखिए, ये पहली, इस तरह जूम करिएगा, इसमें हम सामान रख सकते हैं इस प्रकार से। एक कंपार्टमेंट फिर ये लटकाने वाला दिया है यहाँ, फिर दूसरी और ये नीचे तीसरी, ये पहली एंड देन ये दूसरी एंड देन ये आपकी तीसरी कंपार्टमेंट, जिसमें से एक अलमीरा काफ़ी बड़ा है, दूसरा अलमीरा जो है वो मीडियम साइज का है और तीसरा थोड़ा छोटा है इस प्रकार से। और अगर हम बात करें तो ये हमें दूसरी एक स्टडी टेबल प्रोवाइड की गई है इस प्रकार से। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल है, वो भी एक स्टडी टेबल है प्रोवाइड की गई है। बाकी अगर हम बात करें तो हमें एक ये प्रोवाइड किया गया है, एक इसे क्या कहते हैं प्रथमेश, पेंट्री प्रोवाइड की गई है, जिसमें आप रख सकते हैं सामान अपने इस प्रकार से कुछ। एंड देन ये हमें प्रोवाइड किया गया है 2 सू रैक्स, ये एक बच्चे के लिए यहाँ, दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा। अब अगर हम आ जाए रूम में, ये लाइट्स अगर देखें तो ये लाइट्स ऑन हो चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइट्स प्रोवाइड की गई है, जो कि डायगोनली चलती है। एक बंद कर दे ऐसे 3 जलेगी, फिर एक ऐसे 3 जलेगी, दोनों बंद कर दे सब बंद हो जाएगी। फिर अगर हम इधर आते हैं वापस से, तो अगर मैं आपको वॉशरूम दिखाऊं तो इस प्रकार से कुछ वॉशरूम है हमारा। एक बेसिन प्रोवाइड किया गया है एंड एक कमोड प्रोवाइड किया गया इस प्रकार से। अब अगर हम बात करें बाथरूम की, इस प्रकार से हमें कुछ बाथरूम प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल यहाँ आप नहा सकते हैं, देख सकते हैं आप इस प्रकार से कुछ। अब अगर हम बात करें फ्रिज की, तो हमें फ्रिज भी प्रोवाइड की गई है, ये आप देख सकते हैं फ्रिज। ये तो मैंने बात की रूम, ये 4 बंदों का रूम है एंड देन ये फ्रिज है, ये फ्रिज जो है वो 4 बंदों के लिए, तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से। एंड यहाँ पे मेरे 3 फ्रिजेस प्रोवाइड की गई हैं, हर एक फ्रिज 4-4 बंदों के लिए है, दूसरी एंड देन ये तीसरी। और ये आप देख सकते हैं कि जो हमें किचन है, इस किचन में हमारा जो है ये इंडक्शन प्रोवाइड किया गया है, ये 12 बंदों के लिए है टोटल, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये प्रोवाइड किया गया है रखने के लिए एंड देन
ये दो कह सकते हैं आप बर्तन धोने वाले क्या कहते हैं, तो सिंक सिंक प्रोवाइड किया गया है दो, एंड देन इस साइड जो है और एक बर्तन धोने के लिए प्रोवाइड किया गया, मतलब बर्तन रखने के लिए प्रोवाइड किया गया है, एंड एक ऊपर भी प्रोवाइड किया गया है राइट, एंड देन ये आप देख सकते हैं विंडो, विंडो से अगर व्यू ले हम तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, बहुत ही अच्छा सा व्यू दिखता है। एंड देन अब हम बात कर लेते हैं, तो ये हमने देख लिया फोर बेडेड रूम्स, अब हम देखेंगे टू सीटर्स रूम। सो गाइस अब हम देखेंगे टू सीटर रूम, चलिए आ जाइए देखते हैं टू सीटर रूम क्या हाल चाल है। सो ये हमारे टू सीटर रूम में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक टू बेड प्रोवाइड की गई है, एक के ऊपर एक, एंड देन में टू चेयर्स प्रोवाइड की गई है, ये देख सकते हैं, ये जैसा कि विंडो है हर रूम हर किचन में दिया गया है, बहुत ही अच्छा सा विंडो, एंड देन ये एक डाइनिंग टेबल सब प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे, एंड ये स्टडी टेबल प्रोवाइड कर रखा है, एंड ये हमें क्या कहते थे फिर बोल गया ना, पैंट्री प्रोवाइड कर रखी है चीज़ों पर रखने के लिए कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल फोर सीटर रूम की तरह, एंड ये हमें सूरज प्रोवाइड की गई है देख सकते हैं आप, तो और कमोड की अगर हम बात करें तो उसके समय एक ही कमोड टू सीटर रूम में, एंड तो ये रही बात टू सीटर रूम की, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें एक ब्लॉक के अंदर दो सीटर रूम रहता है और एक अलग से फोर सीटर रूम रहता है, तो अगर हम एक टोटल ब्लॉक के अंदर बात करें तो यहाँ 12 बच्चे रहते हैं एक ब्लॉक में, है ना, 12 बच्चे रहते हैं, ऐसा है यहाँ का सिस्टम। और इधर आ जाइए, ये हमारा जो है वॉशरूम है टू सीटर्स के लिए, कुछ इस प्रकार से बेसिन, एंड दिस इज कमोड, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा प्रोवाइड कर रखा है बाथरूम, एंड देन सो गाइस ये हमने देखा फोर सीटर रूम और टू सीटर रूम फिफ्थ हॉस्टल का एक कंपार्टमेंट का, इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अलग अलग स्पेसिफिक हॉस्टल्स पे और इस हॉस्टल के दूसरे कंपार्टमेंट पे भी बनाएंगे, तो अगर आपको और कुछ जानना है हॉस्टल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, बाय बाय, टेक केयर।